हमने 50 करोड़ का लिया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा। इसमें फिंगरप्रिंट डाटा जो है ना सारों का क्रिमिनल का आता है। जब कोई क्राइम होता है फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं तो यहाँ में चेक करके बताते हैं। कितने केसेस इससे सॉल्व हुए हैं? 131 ब्लाइंड केसेस जिनका कोई पता। कितने पुराने उसमें से? 14-15 साल पुराने भी हैं। क्योंकि हमने जितना 10 साल 12 साल का जितना डाटा था उन्होंने सारा सिस्टम में ऐड कर दिया। 268,000 जो है ना इसमें डाटा है। जितना बढ़ेगा जितना पुलिस का पास मिलियन में अगर वो हमें दे दें तो हम तो बेशुमार केस सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हमें दे नहीं रहे, हम अपना बना रहे हैं। ये फिंगरप्रिंट लैब है, इसमें जो फिंगरप्रिंट ये क्राइम सीन से उठाते हैं ना तो यहाँ आके उनको डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने हाथ लगा दिया है ना, यहाँ फिंगरप्रिंट आपको नजर नहीं आ रही लेकिन फिंगरप्रिंट लग गया है। अच्छा, क्राइम सीन का दिखाएं पहले। तो ये कैसे क्राइम सीन्स पे क्या कोई चीज़ मटेरियल डालते हैं जिससे ये निकलता है? सर हम डिफरेंट डेवलपमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें फिजिकल टेक्निक्स भी हैं, केमिकल टेक्निक्स भी हैं। अच्छा। डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं जिससे प्रिंट डेवलप हो जाता है। इसमें हमारे ये तो किसी बच्चे का है ये सर, अब हम डाटा में इंसर्ट करेंगे ना पता चल जाए। ये पार्शियल प्रिंट होते हैं, ये फुल प्रिंट नहीं। जैसे पार्शियल प्रिंट होते हैं, ये नादरा का कहते हैं ना, नादरा नहीं कर सकता। अच्छा। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि जी हमने नादरा को भेजे हैं प्रिंट। भेजते हैं लेकिन वो उनके पास ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उनका मैंडेट, उनके पास पार्शियल प्रिंट नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमने तो ये सब लेना है, टेन लेने, ये भी लेना है, फिर ये भी लेना है, जो भी ये लकीर है इसके ऊपर लेनी। लेकिन ये ग्रीन टाउन में केस था ना, जो बच्चा सर्टिफिकेट करके लटका दी उसकी 2016 में, वहाँ पाम प्रिंट थे, इन्होंने नादरा को भेजे, उन्होंने किसी और से मैच किए थे साहिवाल में। हमने जब बंदा पकड़ा तो वो बार था लोकल डीएनए से पकड़ा, वो पाम प्रिंट बाद में यहाँ मैच हुआ था, यहाँ मैच हुआ तो उन्होंने किसी औरत का बता दिया मर्डर केस में। मैंने यहाँ लगाया, ठीक है सर। ये देखिएगा सर, ये प्रिंट इसमें आएंगे यहाँ पर, ये पड़े हुए प्रिंट पड़े हुए हैं, ये गॉगल के साथ आएंगे। अच्छा, वैसे नहीं ना, वैसे ना दे, ये सर आपके सामने है। ये मेरे प्रिंट हैं जो मैंने दीवार पे लगाए थे। ओके, ये सर देखिएगा, ये प्रिंट है और दीवार के ऊपर सर जहाँ पे प्रिंट होंगे ये देखे सर आप, ये मैंने हाथ लगाया था अभी, ये देखिएगा अब ये प्रिंट आ रहे हैं, गॉगल में आएंगे प्रिंट आ रहे हैं। लैब में खाना पीना मना है। अच्छा। ये फिर बाद में यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पेपर वर्क करेंगे, अगर खाना पीना तो दैट्स व्हाट इट इज। और इसमें पूरी सेफ्टी है, मिसाल के तौर पे ये जो आप देखें वो आई वॉश लगा हुआ है नीचे, ऊपर शावर है। अगर आंख में कोई चीज़ पड़ गई यू गो देयर वॉश, अगर फायर या एसिड गिर गया यू पुल 60 गैलन वाटर का मान। इसी तरह ये है, ये सेक्शन जो है ना ये फर्ज करें क्राइम सीन पे एम्प्टी मिली है, जब गन रिकवर होगी तो फिर गन हमारे पास आएगी, वो फिर टेस्ट फायर करते हैं, वो एम्प्टी जो हमने फायर की है उसको लेके जो क्राइम सीन से दे ट्राई टू मैच इट, या मैच हो गए जैसे ये भी फिंगरप्रिंट की तरह है, इसको मैकेनिकल फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो एक गन से निकली है ना वो बुलेट या केसिंग किसी और से नहीं मैच करेगी, उसी से मैच करेगी। अच्छा। तो ये सेक्शन काफ़ी बिजी सेक्शनों में है। कितने केस आते हैं आपके हमारे आपके इस सेक्शन में डेली? सर डेली के 200 से ज़्यादा ही आते हैं पर डे। ये जो मशीन का ये कर रहे हैं ये 3-3 करोड़ की है मशीन। अच्छा। ये सारे इनमें से 3 हमने बाई की थी, नहीं 2 बाई की थी, 3 में 4 जो हैं ये डोनेट करवाई थी बाहर से। ये जो ये भी इनका स्ट्रक्चर है, इसमें ये वर्कशॉप है, दे आर ट्रेंड टू रिपेयर गन। अच्छा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो गन सस्पेक्ट रिकवर होती है वो डैमेज कर देते हैं, हमें तो उसको टेस्ट फायर करना है क्योंकि उसमें से बोलर, तो दीज पीपल आर ट्रेंड टू मेक ए गन आर पार्ट पुट इन द गन सो यू कैन मेक इट फंक्शनल, या किसी और से पार्ट लेके उसमें दे फुली ट्रेंड टू डू दैट। ये हमारा CSI है क्राइम सीन। अच्छा। ये 24/7 ये कहीं भी क्राइम होगा जाएंगे। ये भी डेटाबेस है फायर आर्म का।
अच्छा जी, ये हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हमने लिया है ये 20 करोड़ का था, तो ये इसमें जो भी बुलेट हमारे पास आती है या केसिंग आती है उसकी 3D पिक्चर लेके इसमें स्टोर होती है। जब कोई नया केस आता है वो हम इसे करते हैं सॉफ्टवेयर से, दे कैन मैच के भी हाँ ये गन फलां क्राइम में यूज़ हुई थी, और 800 के करीब हमारी हिट्स आ चुकी, हिट का मतलब पुराने केस से मैच हो चुका है 800 केस। हाँ जी, अननोन जिनका कोई पता नहीं, जो मैच हो गया। दो क्राइम सीन जब आपस में लिंक करते हैं हम उसको एक हिट कहते हैं, तो इस तरह की 782 हिट्स हम रिपोर्ट कर चुके हैं। ले जा रहे हैं पॉलीग्राफ, जो लाई डिटेक्टर, झूठा सच पूछने वाली, जिसमें आप बोलते हैं और झूठ सच पकड़ा जाता है। बिल्कुल, ये वाकई पकड़ा जाता है। बिल्कुल पकड़ा जाता है। कैसे डॉक्टर साहब, ये क्या, ये आपको दिखाते हैं, ये नफसियाती चीज है या नहीं? नहीं, केपीआई चीज है। नफसियाती सवाल जो है नफसियाती है, तो बाकी ये केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री है। ये लाई डिटेक्टर्स करें जी, जरा टेस्ट करें जरा मेरा। नहीं, वो टेस्ट करो ना जो नंबर वाला, आपको नंबर देंगे जी, एक पर्चियां, एक पे एक लिखा होगा, 2-3-10 तक, तो आपको एक पर्ची आप कहेंगे कि भी झूठ बोलेंगे वहां के, ये अगर 9 है तो आप कहेंगे नहीं 9 नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको बता देंगे आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक, हम वो दूसरे सवाल नहीं पूछेंगे। कितने लोगों के कर चुके हैं जी टेस्ट अभी तक? हम तकरीबन कोई 5,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट कर चुके हैं, इससे भी ज्यादा है। और कितने कितने सही निकले हैं, कोई इससे क्राइम पकड़ा गया? बड़े बड़े क्रिमिनल, बहुत सारे। अब आप देखें हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिमिनल आता है तो इस मशीन के लगाने से पहले वो कन्फेस, 40% वैसे ही कन्फेस कर देते हैं। एक मशहूर केस है जो मीडिया में बड़ा रिपोर्ट हुआ था 2013-14 में, ग्रीन डाउन का। उस केस में मौलाना साहब थे, एक कारी साकिब नाम था उनका, उनको पुलिस ने पकड़ा, बच्चा मर्डर हुआ, सोडनी और मर्डर का केस था, तो मौलाना साहब को पुलिस ने पकड़ के इंटरोगेट किया, बहुत मारा, फिर ये तो कन्फेस कर गया कि मैंने उसको मर्डर भी किया सोडनी भी किया। हमारे पास आया, हमने टेस्ट किया, हमने बताया ये बंदा बेगुनाह, इसने ना मर्डर किया ना सॉर्ट में किए डर के मार के। तो जब इन्हें कहा कि नहीं, कि मैंने कहा आप देखें हमारा जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कहता है नहीं किया, आप इसको कस्टडी में रखें, कल तक हमारा डीएनए का वेट करें। डीएनए में एग्जामिनेशन हो गया, तो इसका इनका भी टेस्ट हो गया कि हाउ एक्यूरेट दीज पीपल आर, तो डीएनए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो फिर हमने पकड़ा, बब लोकल बार्बर था, साथ ब्लड प्रेशर चेक होगा। जी जी, सारा कुछ मॉनिटर करेंगे। इनमें से एक नंबर आप बता दें, सेलेक्ट कर लें। 3, मैंने इसको सर्कल कर दिया, मैंने आपके सामने रख दिया। मैं अब शुरू करता हूँ, आपने सिंपली ये कहना, आपने किसी नंबर को सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा, इंक्लूडिंग 3। अच्छा, जब 3 पे नो करेंगे तो ये झूठ होगा। ठीक है, क्या आपने एक नंबर का इंतखाब किया था? नो। क्या आपने दो नंबर का इंतखाब किया था? नहीं। क्या आपने 3 नंबर का इंतखाब? नहीं। क्या आपने 4 नंबर का इंतखाब? नहीं जी। क्या आपने 5 का इंतखाब? नहीं जी। क्या आपने 6 का इंतखाब? नो। अब अगर आप देखें, सबसे ऊपर 3 नंबर आ रहे हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया, यानी इसके ऊपर आपका सबसे बड़ा रिएक्शन आया, दी टू नंबर सर्कल 3। ठीक है, एक बार। और दूसरी अगर आप, मैं इधर से डेटा से दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये 3 नंबर है, इसके ऊपर आप ये ग्रीन लाइन देखें, सबसे ऊपर से चली गई। ये आपके कार्डियक है, इसी तरीके से रेड लाइन देखें तो ये भी सबसे ऊपर गई है, इन सब के मुकाबले में आप देखें तो ये सबसे ऊपर है। बेसमेंट पे एविडेंस कलेक्शन सेंटर आए, करीबन 500 के करीब आईओ डेली यहाँ आता है। ये जो साइंटिस्ट ये रिसीव कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट नहीं है ये, नॉन साइंटिस्ट इसलिए है कि पुलिस बार्गेन का चिप लेके आती है कि इसमें केस करा देना। साइंटिस्ट है, नॉन साइंटिस्ट है, इनसे कोई इनको कुछ पता नहीं है, इनको पता है। दूसरा, किसी पुलिस से ये नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते, नंबर एक्सचेंज कर लिया आई विल टर्मिनेट देम। और तकल्लुफ जोराने का एहतमाम किया गया,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अमजद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कर्नल वजाहत हमदानी, डायरेक्टर एडमन मीसम अब्बास, अमजद अली कलियार के हमराह खाना खाया। नेचर से उनका खास लगाव है। दफ्तर के हाथे में हर तरफ अनवाव अकसाम के फलदार दरख्त लगा रखे हैं। ये कौन सा आम है? ये देसी आम है। अच्छा, लेकिन ये आपको खाएंगे तो वैसे लगता है जैसे स्वीटनेस उतनी ही है जितनी ये जो ग्राफ्टेड मैंगोज होते हैं। ये लेमन देखें, ये स्पेशल लेमन है, ये सारा साल लगते हैं। देखें इसकी शक्ल देखें जी, ये साल में तीन दफ़ा लगता है। ये कोई ख़ास किस्म है? हाँ जी, हाँ जी, इसको बारहमासी कहते हैं। अच्छा, ये सारी खजूरें जो है ना इजवा हैं। हिरन को दाना खिलाया। ये पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर है ये। अच्छा। तो यहाँ 150-150 के कमरे हैं जहाँ जेल भी बनी हुई है। अच्छा। चूँकि IO सस्पेक्ट्स को लेके आते हैं तो यहाँ जेल बनाई है, बाकी औरतों के लिए, फिर बंदों के लिए, फिर यहाँ एक AC कंटेनर खड़ा, 12 बेड लगे हुए हैं। तो फर्ज कर यहाँ से बंदा रात को एविडेंस लेके पुलिस, तो वो यहाँ सो सकता। अच्छा। है।